वेलकम वंस अगेन फ्रेंड्स, सभी मित्रों का फिर से और स्वागत है आपके यहाँ पीजी चैनल तीन टॉक पर। मैं आज एक फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ, जो कि आपके जमीन, आपके घर, आपके शहर से रिलेटेड होने वाला है। तो इसमें हम लोग सीखेंगे कि आप अपने जमीन का डिटेल, यानी आप जिस घर में रहते हैं या फिर आपका कहीं खेत है, तो उसका डिटेल्स कैसे निकालते हैं, जो कि आपको अपने नगर पालिका या फिर ब्लॉक से जाकर निकलवाना पड़ता था, उसे आप अपने फ़ोन में ही अब इजिली निकाल सकते हैं दोस्तों। तो उसके लिए आपको करना है एक एप्स का को इंस्टॉल अपने फ़ोन में, जिसका नाम है भूलेखन लैंड रिकॉर्ड, जो प्ले स्टोर में आपको इस चीज़ को लिखने पर मिल जाती है। अगर नहीं मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। उसे इंस्टॉल कर लेनी है, जो कि मात्र 2.3 MB का है। उसे 1 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, उसके बाद 4.1 स्टार रेटिंग दी है। इससे कह सकते हैं एप्स अच्छी है। तो इसे इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करेंगे और इस तरह से आ जाएंगे। चलिए, मैं ऐप्स को पहले से खोल रखा था, इसका नुकसान आया। ये देखिए डिटेल्स यहाँ है, इस तरह से टोटल हर राज्य का डिटेल मिल जाता है, पैन कार्ड, ऑनलाइन सर्विस मिल जाती है, यानी कि हर वो चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर, जो इससे आपकी जरूरत पड़ने वाली गवर्नमेंट के काम में। ये देखिए उत्तर प्रदेश भूलेखन, ग्राम पंचायत बजट कैसा कैसे देखें, ये सारे डिटेल्स यहाँ अवेलेबल हैं। उसके बाद अभी हम बात कर रहे थे भू यानी कि जमीन के का खसरा और जो होता है उसके बारे में। मेरे को तो ज़्यादा पता नहीं है ये सब, बट आपको पता है तो आप अच्छे से देख पाएंगे। ये देखिए सबसे पहले मैं बिहार का हूँ, तो बिहार मैंने खोल लिया। उसके बाद नालंदा के जगह अपने ज़िले को सिलेक्ट कर लेते हैं, पटना, और जस्ट इधर से थोड़ा सा स्किप करते हैं, यहाँ पर देखिए अपने अनुमंडल को कर लें, और यहाँ पर अपना जो भी अंचल है तो बख्तियारपुर मैं छोड़ देता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर से कोई भी चूज कर लेना है, जो भी है आप यहाँ पर देख लीजिए। अब आपको देखना क्या है यहाँ पर, आपको मौजे मौजा हो क्या होता है मुझे पता है। यहाँ पर से आपको सबसे पहले मैं बता दूँ, मौजे का नाम सिलेक्ट करना है, जो भी आपका हो मिस ना करें। वहाँ पर कुछ भी आप मिस करते हैं तो नहीं कर पाएंगे आप। एक एक चीज़ को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, यहाँ पर मैं जूम करके दिखा दिया आपको। जिला यहाँ डालना है, जस्ट थोड़ा सा स्किप करने पर अनुमंडल डालना है अपना और अंचल डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपने मौजे का नाम यानी कि थाना का नाम आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इसमें ये सारे डिटेल्स जो आपको आई दिए हुए हैं, ये शॉर्टकट के लिए है, आप यहाँ पर क्लिक करके से शॉर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अब यहाँ नीचे आते हैं, मौजे के समस्त खातों को नामानुसार देखें, ये जो डिटेल्स है उस तरह से भर सकते हैं। खाता धारक का नाम यहाँ पर आप डाल के देखिए, पहले खाता धारक जो आपका खाता नगर पालिका में होगा या फिर ब्लॉक में जहाँ भी, उससे यहाँ पर डाल दूँ। मैं ऐसे ही 3 डाल करके आपको दिखाता हूँ, जबकि मुझे ये कुछ नहीं देखना। ये देख लीजिए यहाँ पर आ गए डिटेल्स, खोजी विवरण अनुमंडल बार, ये इस तरह से कुछ डिटेल इसका दिया गया है। करौटा राजस्व थाना इतना है इसका। अब यहाँ देखते हैं खाता धारक का नाम कर लेते हैं, खाता संख्या में देखें तो यहाँ देखिए हम यहाँ डाल देते हैं 4 फिर से, और फिर से खाता खोजते हैं तो ये क्या आती है निकल के। ये देखिए वही डिटेल्स से फिर से आ गई है दोस्तों। तो ये टोटल डिटेल्स को वन बाय वन आप चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं जैसे चाहें, यहाँ आप इजिली जान सकते हैं। तो इस तरह से आप इस एप्स का यूज करें और सीख लें दोस्तों। तो मुझे लगता है कि आपने इसे देख करके सीख लिया, और नहीं सीखा है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं इसका डिटेल्स और भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं, इसमें आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो। थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। आपका दिन शुभ हो। आप यहाँ पर से ध्यान देंगे, डिटेल जो भी डालना है यहीं पर से डालेंगे, सारी जानकारी आपको।